बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूँ शिवानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है कुनाल। वेलकम हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइस आज की वीडियो है स्वॉर्ड ऑफ बरेली चैनल से, और जैसा कि आज ईद है तो हम दोनों की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। और वीडियो का टॉपिक होने वाला है कुर्बानी क्यों करते हैं, बकरा ईद क्यों मनाते हैं। अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, ये एक इमोशनल बयान है, मतलब कि बकरा ईद किस लिए मनाई जाती है। जैसे कि जो ईद उल फितर है उसमें रोज़े रखे जाते हैं पूरे महीने के, लेकिन इसमें रोज़े नहीं रखे जाते। अगर रोज़े रखे जाते हैं तो आप बताइएगा हमें कि कोई रोज़ा रखा जाता है? नहीं रखा जाता ना। तो आज हम फिर यही जानेंगे कि अब बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, और इसको ईद अल अधा भी बोलते हैं, और कुर्बानी क्यों करते हैं। बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, कुर्बानी क्यों करते हैं? तो मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब की वीडियो है, और सॉर्ड ऑफ बरेली, बरेली बरेली की तलवार सॉर्ड ऑफ बरेली चैनल से आप चाहो तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हजरत खलीलुल्लाह ने अल्लाह से दुआएं मांग मांग के बेटा लिया था। उम्र का पिछला हिस्सा है, औलाद नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। रात के पिछले पहर उठ उठ के दुआएं मांगते हैं। खैर, अल्लाह ने कर्म फरमाया। हजरत सारा के बतन से तो औलाद नहीं हुई, अब हजरत हाजरा से निकाह किया। अब हजरत हाजरा से निकाह हुआ तो अल्लाह ने उनके बतन से उन्हें एक खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कितनी बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मेरे हुक्म की तामील करते हुए अपनी जोजा को और अपने बेटे को वादी गैर जी जरा में छोड़ाओ। तो फिर वो आज जहाँ काबातुल्ला है, यहाँ पहाड़ों के बीच हज़रत हाजरा को छोड़ के हज़रत खलीलुल्लाह वापस चले गए। और फिर जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई तो एक बार मिलने आए, तो हज़रत खलीलुल्लाह को हुक्म हुआ, ख्वाब आई, और ख्वाब में ये हुक्म हुआ। नबियों की ख्वाब पर मंजिलाए वही होती है। हमारे जो ख्वाब हैं उनमें से कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनको कहा गया नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, अच्छे ख्वाब। लेकिन हमारे ख्वाब अदगास व अहलाम ऐसे भी होते हैं जो दिन के ख्यालात का अक्स होते हैं। कुछ हमारे ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो शैतान की तरफ से हमारे ऊपर होते हैं, शैतानी ख्यालात का अक्स होते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो है वो अच्छे और साले ख्वाब होते हैं। लेकिन नबी का कोई ख्वाब अदगासे अहलाम नहीं होता, नबी का कोई ख्वाब जो है वो शैतानी ख्याल का नतीजा नहीं होता, इसलिए कि नबी पर शैतान वसवसा अंदाजी नहीं कर सकता। और अगर इस इम्कान को मान लिया जाए तो सारी शरीयत मशकूक हो जाती है। तो ये इम्कान ही नहीं है कि नबी पर शैतान असरअंदाज हो सके। अल्लाह अकबर, नबी तो नबी रहा। नबी के सच्चे ग़ुलाम जो हैं, शैतान तो उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता जब वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए तकवे से माला माल हो जाते हैं। खैर, तो ख्वाब देखा कि मैं बेटे को ज़बा कर रहा हूँ, तो आए और बेटे से कहा, पहले जोजा से कहा कि बेटे को तैयार कर दो, हमने दोस्त की दावत पे जाना है। वैसे खलील अरबी में बूढ़े दोस्त को ही कहते हैं, और हज़रत इब्राहीम अल्लाह के खलील कहलाए, रब ने इब्राहीम को अपना दोस्त करार दिया। तो फिर कहा, दोस्त की दावत है, दोस्त का बुलावा है, मैंने बेटे को वहाँ लेके जाना है। तो हज़रत हाजरा बेटे को तैयार कर देती हैं, कंघी भी करती हैं, बालों में तेल भी लगाती हैं, खूबसूरत कपड़े भी पहनाती हैं। अल्लाह से मांग मांग के लिया गया बेटा। अल्लाह अकबर, अब 13 साल की उम्र, फलम्मा बलगा मा हुस्साया, जब वो बलूगत की उम्र में पहुँचा, चलने फिरने के काबिल हुआ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको ले के साथ चले। और रास्ते में जब ये मंज़र देखा कि बाप बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़बा करने जा रहे, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई। क़यामत तक ये नक्शा दुनिया देखेगी, क्या मंज़र होगा, खुदा की रज़ा के लिए यूँ भी इज़हार किया जाता है। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, इब्राहीम एक ख्वाब के सहारे बेटे को ज़बा करने जा रहे हो, अल्लाह को राज़ी करने के और थोड़े तरीके हैं। तो हज़रत खलीलुल्लाह ने पत्थर उठा के उसके जो है वो मारा, कहा हट जा। मेरे पास एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी होते कुर्बान कर गए। ये वही जगह है। फिर हजरत इस्माइल के पास आया, उन्होंने भी यही बात की, कहा कि माँ की ममता बड़ी कमज़ोर होती है। तो हजरत हाजरा के पास आ गया, कहा कि शहजादा किधर है? कहा दोस्त की दावत पे उनका बाप लेके गया है। कहा नहीं, दोस्त की दावत नहीं है, वो तो उनको ज़बा करने ले जा रहा है। कहा कोई सोच के बात कर, दुआएं मांग के लिया रब से, अपने हाथों से ज़बा कर देगा? दुनिया की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं किसी बाप ने अपने बेटे को ज़बा किया हो और बेटा नाफरमान हो, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो वो बेटा है कि जिसकी पेशानी में उजाले रखे हुए हैं, जिसकी चमकदार आंखें खीरा कर देती हैं, क्या उस बेटे को ज़बा करेगा? और बाप इतना नरम दिल, फिर मांग के लिया, मजबूर हो गया, कहने लगा कि वो इसे अल्लाह का हुक्म कहता है। तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, जालिम भाग जा, अगर अल्लाह का हुक्म है, मेरी गोद में एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी होते कुर्बान कर दे। ये अनोखी दास्तान थी जो कायनात में रकम होने जा रही है। ये कोई अफसाना नहीं है, ये अमर वाकइया है, ये होने वाली दास्तान है जिसकी यादें पूरे आलम में बिखरी हैं। कायनात में ऐसा अनोखा वाकया, ऐसा अलबेला वाकया जमाने में नहीं देखा होगा जो ये वाकया रकम होने जा रहा है। हजरत इस्माइल 13 साल की उम्र और हजरत इब्राहिम अपने बेटे को साथ लिए जा रहे हैं। रास्ते में मीठी मीठी बातें भी हो रही हैं। जब मना किस वादी में पहुंचे, आज हाजी जो है जब वो रमी चमार करता है तो वो कहता है मुझे फ़ोन पे बता दो कि मेरा जानवर ज़बह हो गया कि नहीं हो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस कुर्बान गाह पे चल के जाए। वो कहता है थकन से चूर हूँ। अल्लाह अकबर, हाजी तुझसे तो चल के जाया नहीं जाता और शरीयत ने तुझे सहूलत भी दे दी, कोई ज़रूरी नहीं है कि तू वहाँ जाए, लेकिन जरा देख वो मंजर कितना दिलावेज था। अगर हाजी को कहा जाता कि बेटा भी साथ ले जाना है और वहां बेटे को ज़बा नहीं करना, सिर्फ गर्दन पे छुरी ही रखनी है, तो कलेजे कांप जाते। अल्लाह अकबर, रस्म भी अदा ना हो पाती। लेकिन यहाँ एक अनोखा वाकया अमलन रूपजीर हुआ। फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब वहां पहुंचे तो कहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। अल्लाह, कितना मीठा और दिलावेज अंदाज था। ऐ मेरे बेटे, या बुनैया, या बनी नहीं कहा, मेरे बेटे नहीं कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। उसमें अपनायत का जमाल देखिए और टपकता हुआ शहद देखिए प्यार का। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या है। बाप ना बताता ज़बह कर लेता, लेकिन नहीं, बेटे को शामिल किया, बताना मैंने ये ख्वाब देखा है और नबी का ख्वाब बमंज़िला वही है, अब तू बता तेरी राय क्या है, मुझे बताइए। बाप बेटे को कहे कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, बाप अपनी मर्जी से बाज़ुकात किसी बेटे की किसी खिदमत की वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दे या उससे शफकत का रुख ज्यादा हो या उसको कुछ तरजीह दे दे तो दूसरे बेटे नाराज हो जाते हैं और बाप के खिलाफ जाके अपने चचाओं से और दूसरे रिश्तेदारों से बात करते हैं कि हमारा बाप जालिम हो गया है। यार उसका रूए सुखन थोड़ा सा दूसरे बेटे की तरफ हुआ तो जाके शोर कर दिया औलाद ने कि मेरा बाप जालिम हो गया। लेकिन जरा यहाँ कहानी देखिए, बाप क्या बोल रहा है, बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूँ, फंजो माजा तरा, मुझे बता तेरी राय क्या है। तो बेटा क्या जवाब देता है, कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। बेटा खामोश हो जाता, सर झुका लेता, ये भी बड़ी बात थी, इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता जी जिस तरह आपने देखा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये भी इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता ठीक है आप कर लीजिए जो आपने करना है, तो ये भी इम्तिसाल अमर था। लेकिन जो बेटे ने कहा, कायनात ने ऐसा मंजर ये भी नहीं देखा होगा। बेटे ने ये नहीं कहा हाँ कर लीजिए, बेटे ने यह नहीं कहा कि खामोशी इख्तियार कर ली, गर्दन झुका ली। जरा देखिए, बेटे ने कहा या आबा दे, बाप ने कहा था ना या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे। तो जब ये बात सुन ली कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ तो बेटे का लहजा तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, आज बेटा तो कहे बाप हो, सफाक हो, लेकिन इसके बावजूद लहजा के या आबा दे, ऐ मेरे अब्बू। जरा इससे शहद टपकता हुआ देखिए और इससे खिदमतगारी का जज्बा देखिए, या आबा दे, ऐ मेरे अब्बू। आगे क्या है, या आबा ते फाल मा तोमर, अबू ज़बह क्या है, जो भी करना है करो। या आबा ते ज़बानी कहा है, अबू ज़बह कर दीजिए, जबा का जवाब जबा में दिया जाता ना, लेकिन बेटा दो कदम आगे बढ़ गया, या अबा तिफअल मा तुमर, अबू जबा क्या है, जो भी करना है कीजिए। बाकी रही बात मेरी, ये काम आसान तो नहीं कि गर्दन पे छुरी चले और मैं तड़पू ना, लेकिन अल्लाह की मदद हो तो ये मुश्किल भी नहीं, सत्ताजी धोनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। आप देखेंगे रब ने चाहा तो सब्र करके दिखाऊंगा, तड़पूंगा भी नहीं। बाप रस्सी भी साथ ले गया था, छुरी भी साथ ले गया था, छुरी निकाली। ये कोई किस्सा नहीं, ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत और अमर वाकया है। चश्मे फल्क ने पहली मरतबा ये मंजर देखा। आज हूरें भी देख रही थी, गिलमान और रिजवान भी देख रहे थे, फरिश्ते भी झुक झुक के देख रहे थे। मालिक क़यामत आने वाली है, कहा तुम्हें बताना चाहता हो, तुम कहते थे इंसान को खलीफा बना रहे, सजदे तो हम करते हैं, इबादतें तो हम करते हैं, ये तो लड़ाई करेगा, धींगा मुश्ती करेगा। अब देखो मेरे बंदे की अदा को, मेरे बंदे की अदा पर फर्मा बरदारी के रंग भी देखो। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटे को लिटाया, रस्सियों से बदन जकड़ लिया, हाथ में छुरी पकड़ी है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल को लुटाया। कुरान ने वो बाकायदा मंजर निकाली की है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, जब दोनों राजी हो गए। किस बात पे राजी हो गए? कि फला नंबर की गाड़ी खरीद लें, फला कोठी और फला बंगला खरीद लें। नहीं, दोनों राजी हो गए। बाप जबा करने पे राजी हो गया और बेटा जबा होने पे राजी हो गया। इस्लाम इसे कहते हैं, फलम्मा असलमा। यहां लफ्ज जब दोनों ने रिजा कर ली, तय कर लिया, दोनों ने सर झुका लिया। अल इस्लाम गर्दन निहादन, इस्लाम का माना गर्दन रख देना। तो दोनों ने जब गर्दने रख दी अल्लाह के हुक्म पर, बाप जबा करने पे तैयार हो गया और बेटा जबा होने पे तैयार हो गया। सीने में दिल रखने वाले हो, बेटे का जबा के लिए तैयार हो जाना छोटी बात नहीं थी, लेकिन बाप का अपने हाथों से बेटे को जबा करना ये उससे भी बड़ी बात थी। ये तमाशाए लबे पाम नहीं था, लेकिन आज जमाना इस मंजर को देख रहा है। मना के स्याह पहाड़ों में ये कहानी रकम होने जा रही है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी और बेटे को लुटाया। कुरान बताता है, फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, वतल्लहू लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। इस पर मुफस्सरीन ने दो बातें की हैं। लिलजबीन का माना किया है कि पेशानी के बल लटाया, पीछे से जबा करना चाह रहे थे, और दूसरा यह है कि जिस तरह जानवर को जबा किया जाता है तो उसकी गर्दन को बल दे करके माथा जमीन पर लगाया जाता है कि रगे तन जाए और गर्दन खुल जाए ताकि जबा करने में आसानी हो। तो कहा कि गर्दन को जो है वो कोशादा करने के लिए आपका नाजुक गला घुमा करके पेशानी पहाड़ पत्थर के साथ लगाई और रगें तन गई। पूरा बदन जकड़ा था रस्सियों से, और हजरत इस्माइल ने, इब्राहिम ने खुद भी पट्टी बांधी थी कि ये मंजर इतना आसान तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अचानक हजरत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान मेरी रस्सियाँ खोल दो। बेटा क्या हुआ? कहा खोल दो रस्सिया। बेटा अभी तो कह रहे थे या बतिफल मातो मत, जो करना है कीजिए, अब क्या बोल रहे हो? कहा कल का मुअर्रिख लिखेगा। बाप जबा करना चाहता था, बेटा जबा होना नहीं चाहता था। बाप ने बांध के किया है। खोल दो रस्सिया, नहीं तड़पूंगा। रस्सियां खोल दी गई। हजरत इब्राहिम ने हाथ में छुरी पकड़ी है, लेकिन पट्टी बराबर बंधी है। बेटे फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन। अल्लाह अकबर। तो पूरी कुव्वत के साथ छुरी को नाजुक रेशम जैसी गर्दन पे रखा। इब्राहिम तेरे हौसले पे कुर्बान, इस्माइल तेरी फर्मा बरदारी पे कुर्बान। इकबाल बोले ये फैजान नजर था, या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्ज। बेटा लेटा है, रस्सियां भी खुली हैं, तड़पता भी नहीं है, आहो फगा भी नहीं करता, आंखों में आंसू भी नहीं है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी है, बेटे की नाजुक रेशम जैसी गर्दन पर रखी और पूरी कुव्वत से छुरी को दबा दिया। लेकिन हुआ क्या कि एक बाल भी नहीं कटा। छुरी को पास पड़े पत्थर पे मारा, लकड़ी पड़ी थी, पत्थर पड़ा था, मारा, वो कट गया। लेमा तकता या सिक्कीन है, छुरी तो क्यों नहीं काटती? अल्लाह अकबर। छुरी ने जुबान हाल से आवाज दी, इब्राहिम अल खलीलो या मुरुनी वल जलीलो यनहानी। खलील मुझे एक बार काटने का कहता है, वो खलील, वो कबीर, वो रब, वो जलील 70 बार कहता है। खबरदार एक बाल भी काटा। कहा तेरा काम तो काटना था। छुरी बोली आग का काम भी तो जलाना था। जिसने आग को जलाने से रोका, आज उसने मुझे काटने से रोक दिया। समझे। इससे ये भी तो नतीजा निकल सकता, चलो जान छोटी मेरा कसूर तो नहीं था, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का जज्बा था। पता नहीं दिल में क्या बात आ गई कि छुरी को रोक दिया गया, फिर इस्तिगफार पड़ा और छुरी तेज की और गर्दन पे रख के पूरा जोर लगा दिया, गर्दन कट गई, खून बहने लगा। खुश हो गए कि बड़ा काम था, कर गुजरा। जल्दी जल्दी पट्टी खोली तो देखा ज़बह होने वाला बेटा नहीं दुम्बा था। अल्लाह अकबर, दुम्बा पड़ा था और बेटा पास खड़ा मुस्करा रहा था। तो हजरत खलील की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पास जिब्रील खड़े थे, कहा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आवाज आई, आवाज आई। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दकत रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। आवाज आई, इब्राहीम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया, तूने तो अपने गुमान में बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन ये हमने उस वक्फे में तुम्बा रख दिया, तुमने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने उनके जो है बदले में एक दुम्बा दे दिया और हमने इसको पिछलों के लिए सुन्नत रख दिया। आज मना की वादी में हाजी वहाँ जाके दुम्बे की गर्दन पे छुरी फेर रहा होता है, वो यादगार आज उस मज़बह पे, आज उस मनसब पे जहाँ बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत खलील छुरी हाथ में लिए खड़े थे, आज 40 लाख जानवर कुर्बान हो रहे हैं और पूरी दुनिया के ऊपर कुर्बानियां हो रही हैं। अल्लाह अकबर। वहां आवाज आती है सलामुन अला इब्राहीम, ऐ इब्राहीम तेरे ऊपर सलाम। मतलब जिस तरह जिस अंदाजे में इन्होंने बताया ना, हकीकत जो बताई, वाकई में भाई रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब किसी इंसान के तो बस की है ही नहीं, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि 80-85 साल का कोई इंसान, उसे बच्चा ना हो रहा हो, फिर जाके बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद फिर जाके उनको बच्चा होता है और बच्चा भी इतना अच्छा हो रहा हो। जब वो 13 साल का हो जाता है तब फिर उनको वो अच्छा, वो थोड़ा थोड़ा, अब मेरे को ना थोड़े थोड़े डाउट थे वो क्लियर होने हो रहे हैं। पर यही हज़रत इब्राहिम ही थे जो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़ाए थे जहाँ पर अब मक्का है, वहाँ छोड़ के चले गए थे और बाद में फिर वो 10-11-12 साल बाद फिर आए थे, वापस आए थे। तो जो कहते हैं कि हजरत इस्माइल ने जो प्यास लगी थी, प्यास रगड़ा था, तो उससे ही जमजम का पानी आया था। तो ये वो है वो स्टोरी, आपको तो पता ही होगा, बट हमें चीज़ें, मेरे को चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो फिर जमजम का पानी आ गया। उसके बाद फिर जब 13 साल के हज़रत इस्माइल हुए तो हज़रत इब्राहिम आए और उनको सपना आया कि वो सपने में अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो वो अपने बेटे को ले गए और बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर पहाड़ के ऊपर लेके उनसे पूछा कि मेरे को ऐसा सपना था, आप क्या बोलते हो। तो हज़रत इस्माइल ने कहा कि अगर आपको सपना आया तो फिर आपको करना पड़ेगा ये। मतलब एग्री हो गए वो एक तरह से कि ज़िबा क्या करना है, आपको जो करना है वो कर लो। बिल्कुल। तो उनके हाथ बंधे हुए थे, उन्होंने हाथ खुलवा लिए। कल को जमाना ये ना बोले कि एक पिता ने अपने बेटे को कुर्बानी दे दी, जबरदस्ती दे दी। ना, हाथ खोल के, हाथ पैर खोल के आप करो, मैं तड़पूंगा नहीं। बहुत बड़ी बात है 13 साल के बच्चे का ऐसा कुछ कहना। ये तो बड़े बड़े लोग नहीं कह पाते ऐसी कुछ बातें, तो 13 साल का बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोल दी। बहुत बड़ी बात है। दोनों का ये अल्लाह के लिए इतना ज़्यादा प्यार ना कि मतलब एक अपने बेटे को ज़बा करने के लिए रेडी है और दूसरा खुद ज़बा होने के लिए रेडी है कि कर दो आप जो आपको सही लगता है वो कर दो। आप अपने पिता के लिए, आप अपने अब्बा के लिए और अपने अल्लाह के लिए भी कुर्बान होने को तैयार हैं, और एक आवाज़ पे वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही ज़बा किया, ये पता लगा कि छुरी जो पहला चलाया, पहला तो बच गया, वो नहीं हुआ। सेकंड टाइम में जोर लगाया तो वो हो गया, ज़िबा हो गया वो। फिर जब उन्होंने आँखों से पट्टी हटाई तो देखा है एक दुम्बा, हाँ ऐसे कुछ नाम, दुम्बा वो ज़िबा हो गया था। और वो हज़रत इस्माइल साथ में खड़े मुस्कुरा रहे थे और सामने हज़रत जिब्रील भी थे। बिल्कुल, उन्होंने ही रखा होगा ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सच्ची वाकई। मतलब आज की जनरेशन तो क्या ही करेगी कुछ, क्योंकि आज की जनरेशन को अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने ये तो कोई भी नहीं कर सकता, मतलब ये इंसान तो कोई नहीं कर सकता, या आज का हो या पुराना हो, कोई भी हो, ये सिर्फ नबी ही कर सकते हैं। तो जो अल्लाह के नबी थे हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल, तो ये ही कर सकते थे क्योंकि अल्लाह के नबी हैं, तो कोई और इंसान तो कर ही नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता हो कभी कोई इंसान। वाकई में बहुत अच्छा वाक़या था, मतलब इसीलिए तब से लेके अब तक, मतलब देखो तब कितने टाइम पहले हज़रत इब्राहिम का ये वाक़या हुआ था और तब से लेके अब तक दुनिया में ये रीत चलती आ रही है, ईद मनाई जाती है, बकरा ईद मनाई जाती है। हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं गाइस, स्वॉर्ड ऑफ बरेली चैनल से थी ये वीडियो, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।